आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गैंग अटैक। तफसीलात के मुताबिक चिंतलमेंट किशोरी बेगम मस्जिद के पास मियां बीवी में एक छोटी सी बात को लेकर हुआ झगड़ा, जिसमें बीवी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर शोहर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई मोहम्मद फेरोज और ससुर मोहम्मद इस्माइल पर कातिलाना हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस को पता चलते ही मौके वारदात पर पहुंचकर जख्मी लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मोइन, रियाज, रहीम, कलीम, सलमान, ताहिरा, कमर, फातिमा के साथ और कुछ लोगों ने मिलकर इनके घर में घुसकर इनको हथियार से मारकर जख्मी करने के साथ इनके घर में से 80,000 कैश, 3 तोले सोना लेकर फरार होने का लगाया इल्ज़ाम। जख्मी मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद फेरोज ने मीडिया के जरिए इन सब लोगों से जान का धोखा है कहकर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की तहकीकात जारी है। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। ये मोइन भाई जो है फोन करा था, हमारे जोरों मरद के लड़े थी, इनको फोन करा, हमारी बेटिया था टॉर्चरा दे रही, भाई आके बात करो तुम, उससे भी फैसला करके जॉब ले, दोनों गाली दिए, गुफ्तगू मैं भी गुफ्तगू दिए, मैं भी गुफ्तगू दिए, गालियाँ दिए, दोनों भी दे दिए, कोई दे दिए, बाद में फोन कट कर दिया, कट कर दिए, बाद में पलट के मैं क्या करा, जिले को गया, हमारे बहन के घर को गया, सीधा सीधा घर को आ गया, हमारे छोटे बहन के घर पे रुका था, शाम में आए 10:30-11 बजे, 10 के टाइम पे क्या टाइम हो रहा था, जब क्या करे, जब फोन मारे, फोन छोटा भाई फोन करा मेरे को मार रहे बोल के, सीधा आते हमारे छोटे भाई को मार दिए, पहले हाथ पड़ गए, 5 टाके इनको पड़ गए, मेरे को सर पे यहाँ टाके हैं, फिर यहाँ साइड में कनपट्टी पर टाके हैं, फिर यहाँ पर टाके हैं मेरे को, कहा है चुप खाली की वो धर रहे थे गुप्तगुम में, क्या करेंगे बेटों को लेके आएंगे, भांजों को लेके आके फुल टोपी लेके आके चाकू से मारे, फिर धर रहा था तो चाकू घुस जाती थी सर में मेरे, मैं भाग गया यहाँ से गली में, तो भाग के बाहर रोड पे गया, रोड पे जाके जब बचा मुझे तो पूरा पूरा मार के नाक की हड्डी पूरी तोड़ दी मेरी, पर यहाँ पर जान को धोखा है मेरे को, ये जो मोइन और ताहिरा खमर और रियाज पूरे जने नुआ है, 5-6 जने नुआ है, दारो सलाम को थोड़े चाकुआ ले लेके आए थे इनकी, जो ये और एक भाई ने चिच्ची में था चाकू रख लेके, प्रेस की एक चाकू आती वो चाकू निकाल के मारने आ रही थी मेरे को, मेरे को हमारे खलेरे भाई को मारने आ रही थी, उन्हें क्या करा लट था इसके हाथ में, तो लट से देख के हट गई ने पीछे, गुजारिश चाहता हूँ मैं तेलंगाना से, फिर इन्हों से बचाए पुलिस से भी, इन तोले सोना भी गया है हमारे भाई का, 80,000 कैश थे, पूरी अलमारी की अलमारी में पैसे रखे हुए थे, सोना रखे हुआ था, पूरा फेंक दिए, पूरा निकाल लेके चल गए, उसमें एक भी नहीं है चीज, कुर्सी भी नहीं है, पूरी डिक्की भी खुली हुई है इसकी, तो क्या है देख ले सकते हैं आप, हाँ देख ले सकते हैं, गुजारिश है आप लोग हमसे तेलंगाना से है पुलिस से और कमिश्नर साहब से और को जान जान का धोखा है हम लोग को, जान का धोखा आपकी नेक्स्ट टाइम पे अटैक कर सकते हैं हम लोग को, उससे पहले हम तेलंगाना पुलिस से गवर्नमेंट से अभी भी कर सकते हैं, मदद चाहिए हमको बस। मैं मोहम्मद फेरोज हूँ, कल मेरी लड़ाई हुई थी मेरे घर पर, मैं अकेला था तो मेरे को क्या करे, 15-20 जने मिल के आके मारे, तो मैं घर पे अकेला था, फिर बाद में मेरे भाई को फोन करा, मेरे चाकू से मारे, 5 टाके लगे मेरे को, मेरे भाई को उसके बाद कॉल करा, मैं मेरे भाई बहन को कॉल करा, उसके बाद आए लोग वहाँ मेरे को मारे था मार के, फिर उनको भी क्या है जख्मी कर दिया, टाके डाले उनको, और मेरे अलमारी में से 3 तोले सोना था, 80,000 रुपये रकम थी, वो भी छुप लेके चल गए। जो मारने वालों का नाम था रियाज और कलीम, रहीम, फातिमा और जो सो ताहिरा, मोहिन और बाकी के लोगों में तो मेरे नहीं मालूम, सलमान नाम कुछ था थे, फिर जब बाद में भाई आए मेरे तो वो लोगों के ऊपर भी अटैक करे, जान का मेरे को धोखा है ये, मेरे भाई को नहीं मिलना है नहीं मिलने की सूरत में मैं अकेला था, कौन इतला दिए कि लोगों को वो तो मेरे को नहीं मालूम, घर पे मैं अकेला था, मुँह धो के गाड़ी पे आके थकान हो गई तो आके लेटे हुआ था मैं, जस्ट 10 मिनट के बाद आके मेरे को क्या है हमला कर दिए। कितने बजे की बात है ये? टाइम 10:30-10 बजे के दरमियान की बात है ये, उस वक्त तो मेरे को जान में जान भी नहीं थी मेरी, अपने आप में था मैं। ये वजह क्या है लड़ाई की? ये वजह बोलते मेरे भाई से लड़ाई कुछ चल रहा था मैटरों का, उनमें क्या हुआ कि वो मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने नहीं मिलने की सूरत पे मैं घर पे अकेला था, मेरे मम्मी भी नहीं थे, मेरे पापा भी नहीं थे, अचानक अटे वो कर दिए, मेरे को अटैक करने वाले कौन है वो? हमला करने वाले ताहिरा रियाज, ये जेंट्स का नाम हूँ। कौन है आपके रिश्तेदार है या फिर आजू बाजू वाले हैं? कौन मेरे आजू बाजू वाले तो नहीं है, मेरे भाई के साले हैं, सालियाँ हैं, वो उलंग से उलंग की लोगों की दुश्मनी क्या थी कि चुप मेरे को नाजस के तो तकलीफ दे दिए, मार दिए, मेरे घर का सामान तोड़ दिया पूरा, फ्रिज अलमारी और पूरा घर को डैमेज कर दिए, मेरे वाले साहब को भी मारे लो, सुने
तेलंगाना गवर्नमेंट से ज़्यादा बंद गुजारिश करता हूँ मैं, मेरे को इंसाफ मिलना सुने, और जो मीडिया है उनसे भी मुझे सपोर्ट मिली तो बहुत बहुत दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ उनका मैं। पीएस में कंप्लेंट लिखा है, पीएस में कंप्लेंट दी है तो कल बोलते बोले बोल के बोले ना आपका पीएस लिमिट। मेरा पीएस में राजीनगर पीएस है, मैं चितलमेट किशोर नगर ये चितलमेट किशोरी मस्जिद के बाजू में रहता हूँ, मेरा घर यही है। पुलिस वाले आके देख के गए? पुलिस वाले है बाहर से, खाली फोटो लेके गए, अंदर तो अब तो नहीं है, हम वीडियो बताए तो जब देखे ना। कंप्लेंट हुई पीएस में, कंप्लेंट हो गई जी।